साथियों, कल जो सरकार ने संसद में बिल पेश किया और जो बिल कल संसद ने पारित किया लोकसभा ने, हम उस बिल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। जो बिल कल पारित हुआ है वो बिल हमारे देश के जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तरह से देखा जाए तो वो संसद का बिल नहीं है, वो केवल रूलिंग पार्टी का बिल है, वो केवल यूपीए का बिल है। संसद के अंदर 55 ऑपोजिशन पार्टियों ने 55 अमेंडमेंट रखे थे, बताते हैं कि 55 संशोधन रखे थे, एक भी संशोधन नहीं माना। वो हमें कहते थे चुनके आओ, अरे चुनके आएंगे तब भी क्या फर्क पड़ेगा, संसद के अंदर तो केवल रूलिंग पार्टी की चलती है और उस रूलिंग पार्टी में भी केवल दो लोगों की चलती है, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, और किसी की नहीं चलती। ये जनतंत्र नहीं है। आज हम जनतंत्र के ऊपर प्रश्न उठाना चाहते हैं कि क्या ये भारत देश वाकई एक जनतांत्रिक देश है, क्या हम वाकई जनतंत्र के अंदर रहते हैं। उसके पहले मैं आपको दोबारा बताऊंगा, कल मैंने आपको बताया था इस बिल की क्या क्या कमियां हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि कल संसद के अंदर इस बिल के केवल 9 या 10 संशोधन पारित हुए, वो संशोधन ऑपोजिशन विपक्षी पार्टियों ने रखे थे वो नहीं पारित हुए। जो रूलिंग पार्टी चाहती थी अपना ही बिल रखा और अपने ही बिल में 9 संशोधन और रख लिए उन्होंने। वो संशोधन कौन से थे? उन संशोधनों से इस बिल को और कमजोर कर दिया गया। उन संशोधन में उन्होंने कहा कि अब आर्मी का भ्रष्टाचार भी लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा। पहले तो उन्होंने लिखा था कि निचले कर्मचारियों का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा था सांसदों का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा। उन्होंने इतनी सारी चीजें जुडिशरी लोकपाल के दायरे में नहीं आएगी। अब उन्होंने कहा कि आर्मी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो भी लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा। कल ये उन्होंने संशोधन किया है संसद के अंदर। दूसरा संशोधन उन्होंने किया है, पहले कानून में ये था जो कल कानून पारित हुआ था कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो उसकी 6 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य होगा। अब वो हटा लिया है। अब कितने भी दिनों में, कितने भी सालों के अंदर जांच पूरी हो सकती है। तो वही ढाक के 3 पास जो पहले थे वही आज हो गया। ये संशोधन सरकार ने किए हैं। इस कानून में क्या है? जैसा मैंने कल बताया था, ये कानून भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का कानून है। सरकार को बड़ी चिंता होने लगी थी कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है, ये सीबीआई उनको तंग करती है। तो इस कानून को बना के सरकार ने 3 प्रावधान किए हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। एक प्रावधान तो ये है कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और उसके खिलाफ सीबीआई केस करेगी तो सरकार इस कानून के मुताबिक भ्रष्टाचारी अफसर को फ्री में वकील देगी। ये इस कानून के अंदर है। दूसरा इस कानून में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति लोकपाल में जाके शिकायत करेगा तो सरकार उस व्यक्ति, उस भ्रष्टाचारी अफसर को फ्री में वकील देगी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए कि ये फर्जी शिकायत की है। ये सरकार का सशक्त लोकपाल बिल है। और तीसरी चीज इसमें की है कि अगर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी मान लो गलती से चोरी करता है 100 रुपए की, तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और पुलिस उसको सीधे कोर्ट में पेश करती है। उस गरीब आदमी से, उस चोर से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज क्यों ना की जाए। इस कानून में पहली बार लिखा है कि अगली बार राजा अगर चोरी करेगा, अगर राजा 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना लगाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। पहले राजा को नोटिस दे के पूछना पड़ेगा आपके खिलाफ FIR दर्ज क्यों ना की जाए। तो अगली बार राजा के खिलाफ भी FIR दर्ज नहीं हो सकती। कलमाडी से पूछना पड़ेगा कि साहब आपके खिलाफ FIR दर्ज क्यों ना की जाए, उसको नोटिस देना पड़ेगा और जितने सबूत हैं वो सारे सबूत उसको दिखाने पड़ेंगे। ये इस कानून में लिखा हुआ है। फिर जांच शुरू होगी।
जांच शुरू होने के बाद चार्जशीट फाइल करने के पहले कोर्ट में उसको सारे सबूत दिखाए जाएंगे और उसको नोटिस देके पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा क्यों ना दायर किया जाए। पूरी दुनिया में हमने इस तरह का ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं देखा, इस तरह का कानून पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जितनी बेशर्मी के साथ भारत सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कानून बनाया है। जैसा मैंने कहा कि ये कानून हमारे देश के जनतंत्र के लिए खतरा है। इसके बाद इस कानून में लिखा है टोटल 60 लाख सरकारी कर्मचारी हैं इस देश में, इस केंद्र सरकार में। उन 60 लाख में से केवल 3 लाख कर्मचारियों का भ्रष्टाचार इसके दायरे में आएगा, बाकी 57 लाख भ्रष्टाचारियों का लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा भ्रष्टाचार। हमने कहा क्यों नहीं आएगा, तो सरकार कहती है कि इतने सारे कर्मचारियों का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे में आ गया तो लोकपाल बैठ जाएगा, वो इतने सारे लोगों का भ्रष्टाचार नहीं देख पाएगा। चलो कोई बात नहीं, सरकार कहती है तो मान लेते हैं। तो 5% 60 लाख में से 3 लाख कर्मचारियों का 5% सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार इसके दायरे में आएगा। लेकिन सरकार ने बदमाशी की बहुत बड़ी, फ्रॉड किया सारे देश के साथ। सरकार कहती है कि इस देश की सारी रजिस्टर्ड सोसाइटी, सारे ट्रस्ट, सारी जितने मंदिर हैं, जितने मस्जिद हैं, जिन जिन लोगों को चंदा मिलता है कहीं से, वो सारे क्लब, यूथ क्लब, रोटरी क्लब, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, सरकारी जितने प्राइवेट स्कूल हैं, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, जितनी प्राइवेट डिस्पेंसरी हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट क्लब, ये सारे इसके दायरे के अंदर आएंगे। करोड़ों ऐसे संस्थान हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो चंदे पे काम करते हैं, वो सारे इसके दायरे में आएंगे। लेकिन सारे सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। सरकार कह रही है सारे सरकारी कर्मचारी आ गए तो ये लोकपाल बैठ जाएगा, लेकिन करोड़ों लोग इसके दायरे में, इस देश के सरकार को लगता है इस देश के सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, सरकारी कर्मचारी ईमानदार हैं बस। सरकार को लगता है सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं इस देश के, केवल नेता ईमानदार हैं, केवल 10% नेता आएंगे, सांसद इसके दायरे में नहीं आएंगे। इस कानून के अंदर लिखा है कि अगली बार अगर कोई सांसद रिश्वत लेके वोट देगा संसद के अंदर तो वो इसके दायरे के अंदर नहीं आएगा। अगर अगली बार कोई सांसद रिश्वत लेकर अगर प्रश्न पूछेगा पार्लियामेंट के अंदर, वो इसके दायरे के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई महिलाएं अगर चंदा लेके कुछ अपने इलाके में कुछ करती हैं, वो इसके दायरे के अंदर आएंगी। जितने मंदिर मस्जिद गिरजे हैं उनके अंदर काम करने वाले जितने पंडित हैं, पुजारी हैं, आर्क बिशप हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, जितने प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचर हैं, उन सबको सरकारी ऑफिसर घोषित कर दिया है सरकार ने। अब CBI उनके यहाँ कभी भी रेड मार सकती है, किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर काम करने वाले टीचर के यहाँ रेड मार सकती है CBI, उसके प्रिंसिपल के यहाँ रेड मार सकती है CBI, बंबई के आर्क बिशप के यहाँ रेड मार सकती है CBI, दिल्ली के आर्क बिशप के यहाँ रेड मार सकती है CBI, जितने मौलाना है मस्जिदों के अंदर उनके यहाँ रेड मार सकती है CBI। ये सरकार का, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सख्त लोकपाल बिल है। इस लोकपाल का चयन कौन करेगा? सरकार ने कहा कि इसकी एक कमिटी बनाएंगे, 5 लोगों की कमिटी। उन 5 लोगों में से 3 लोग सरकारी हैं, सरकार के अपने लोग हैं। उसमें प्रधानमंत्री, स्पीकर और सरकार एक वकील को चुनेगी। ये 3 लोग सरकारी हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक चीफ जस्टिस। ये 5 लोगों की कमेटी लोकपाल बनाएगी, तो जिसको सरकार चाहेगी उसी को लोकपाल बनाएगी। सरकार के हाथ में होगा, अगर लोकपाल भ्रष्टाचार करे तो कौन निकाल सकता है? हमने कहा था नागरिक को अधिकार होना चाहिए लोकपाल को निकालने का। अगर लोकपाल भ्रष्टाचार करे तो कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सके। सरकार ने ये बात मानने से मना कर दिया। सरकारी लोकपाल के मुताबिक केवल सरकार लोकपाल को निकाल सकती है और सरकार लोकपाल को जब चाहे उसको सस्पेंड कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा लोकपाल सरकार के हाथ की कठपुतली बन गया है। साथियों, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने वालों को कत्ल कर दिया जाता है। सत्येंद्र दुबे का कत्ल कर दिया गया, मंजूनाथ का कत्ल कर दिया गया,
अमित जेठवा का कत्ल कर दिया गया, सतीश शेट्टी का कत्ल कर दिया गया, ये सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। पिछले एक साल के अंदर 13 ऐसे लोगों का कत्ल कर दिया गया हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हमने कहा कि लोकपाल को ये जिम्मेदारी दो कि अगर किसी की जान खतरे में है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो लोकपाल उसको संरक्षण देगा। सरकार ने कहा नहीं, लोकपाल नहीं देगा, सीवीसी देगा। सीवीसी क्या है? सीवीसी के पास केवल 232 कर्मचारी हैं, सीवीसी के पास कोई पुलिस नहीं है, सीवीसी के पास कोई पावर नहीं है, सीवीसी के पास कोई पैसा नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार धोखा दे रही है। सीवीसी प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोकपाल को पावर दो, लोकपाल को पैसा दो, लोकपाल को ये ड्यूटी दो, लेकिन सरकार इसके लिए भी मुकर गई है। हमने कहा कि सीबीआई को सरकारी चंगुल से मुक्त करो, सरकार के दायरे में के अंदर नहीं आनी चाहिए सीबीआई, सरकार के दायरे से बाहर करके सीबीआई को लोकपाल के दायरे के अंदर लेके आओ। लेकिन सरकार इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुई, सरकार सीबीआई के ऊपर अपना शिकंजा कस के रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि सीबीआई का सरकार दुरुपयोग करती है। जब जब सरकार को संसद के अंदर दिक्कत होती है, मायावती जी के पीछे छोड़ देती है सीबीआई को, लालू यादव जी के पीछे छोड़ देती है सीबीआई को। लालू यादव का चारा घोटाले केस के अंदर क्यों लालू यादव साथ दे रहे हैं आज सरकार का? इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि जब जब लालू यादव को पकड़ा गया और उनको सीबीआई ने घेरा, तब तक वो सरकार के पास दौड़े गए और सीबीआई को सरकार ने वापस ले लिया। सबसे बदतर बात तो ये है कि जो अगस्त के महीने में लोकपाल बिल लेके आए थे, वो लोकपाल बिल इतना कमजोर था कि अन्ना ने कहा 16 अगस्त से अन्ना अनशन के ऊपर बैठे रामलीला मैदान में, अन्ना ने कहा कि वो सरकारी लोकपाल हमें मंजूर नहीं है। लेकिन अभी जो लोकपाल बिल इन्होंने कल पास किया वो अगस्त के बिल से भी बहुत ज्यादा कमजोर है। धोखा दिया सरकार ने। अगस्त के महीने में सरकार ने हमारे सामने, पूरे देश के सामने, सरकार ने ये वादा किया था, संसद ने वादा किया था कि तीन चीजें सरकारी लोकपाल बिल के अंदर आएंगी। ग्रुप सीओडी कर्मचारियों के इसके अंदर लाया जाएगा, लोकायुक्त को इसके अंदर में लाया जाएगा और सिटीजन चार्टर को इसके दायरे के अंदर लाया जाएगा। सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर में यह लिखा है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में कौन सा काम कितने दिन के अंदर किया जाएगा। आप राशन कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, आपसे रिश्वत मांगी जाती है। पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, रिश्वत मांगते हैं। कोई भी सरकारी काम करवाना हो तो रिश्वत मांगते हैं। इस सिटीजन चार्टर में यह लिखा होगा कि उस विभाग में कौन सा काम कितने दिन में किया जाएगा। अगर वो कर्मचारी उतने दिन में काम ना करे तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को शिकायत कर सकते हो, और अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी 30 दिन में काम ना करे तो लोकपाल का हर जिले के अंदर एक जुडिशियल ऑफिसर होगा, आप उसको जाके शिकायत कर सकते हैं। जुडिशियल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह काटे और आपको वो मुआवजे के रूप में दे और आपका वो 30 दिन के अंदर काम कराए। अन्ना ने कहा था कि इस तरह का सिटीजन चार्टर आना चाहिए। संसद के अंदर 27 अगस्त को सारे देश के सामने इन लोगों ने वादा किया कि इन तीन चीजों को हम लोकपाल बिल के दायरे के अंदर लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी की। ना तो सिटीजन चार्टर इसके दायरे में